तो नई सिलाई मशीन खरीदने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या आपको देखना है दुकान पे जाके कि मशीन हमारी किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर आपको मशीन ख़रीदना है तो किस टाइप की आप मशीन ख़रीदेंगे, वो आपको किस टाइप का कपड़ा सिलते हैं आप, अगर आप पैंट शर्ट सिलते हैं और रेगुलर काम करते हैं रोज़ दिन भर आप काम करते हैं तो इसके लिए आपको इस टाइप की मशीन लेना पड़ेगा। अगर आपको हल्का फुल्का काम करना है, लेडीज़ काम करना है, हल्का फुल्का काम है तो इसे छोटी एक मशीन आती है वो आप ले सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं। तो दुकान में जाएंगे तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, वहाँ पे दुकानदार आपकी आपको मशीन देगा और आपको भाव तक अच्छे से कर लेना है कम से कम करके। उसके बाद आपको मशीन जब देगा तो उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि दुकानदार जो है ना वो मशीन जब लेगा, वो मशीन जब आपको देगा तो वो ध्यान नहीं देते, अच्छे से चेक करके नहीं देते हैं, वो ऐसे ही आपको दे देते हैं, बाद में आपको परेशानी होती है। तो आपको क्या करना है वहाँ पर जाके, सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप वहाँ पर जाए मशीन आपको देता है तो आप मशीन को सबसे पहले चेक कीजिए, वो टायर तो नहीं चल रही है, जाम तो नहीं चल रही है, मशीन एकदम आपको फ्री होनी चाहिए। जितनी फ्री मशीन आपकी रहेगी उतनी आपकी मशीन अच्छी चलेगी। उसके बाद आपको चेक करना है यहाँ पे, यहाँ पे आप देखे दांत देख रहे हैं, इसके नीचे एक दांतरी है, इसके नीचे दांतरी है, दांतरी इसके नीचे है ना दांतरी, ये दांतरी जो है ना ये इसको आप खोल के इसको आप चेक करिए, दांतरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। कभी कभी होता है इस साइड की दांतरी नीचे है, इस साइड की दांतरी ऊपर है, इस साइड की दांतरी नीचे ऊपर ऐसी रहती है, तो इससे क्या होगा कि जब मोटा कपड़ा आएगा तो आपकी मशीन जो है ना बराबर कपड़ा खींचेगी नहीं और धागा भी काटेगा, इससे आगे प्रॉब्लम होगी। ये दुकानदार जल्दी बेचने वाला जल्दी बताता नहीं, वो दे देता है मशीन, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद होगा जो सुई है ना, सुई सुई जो है ना पटरी के होल में बिल्कुल सेंटर में जो है ना वो गिरनी चाहिए, सेंटर बिल्कुल जानी चाहिए कि साइड में किनारे नहीं हो, ऐसा अगर है तो उसको बोलो कि इसको सही करके दो। और उसके बाद जब मशीन चेक करेगा उसको आप बोलो मशीन चेक करके हमें दीजिए कपड़े पे चला के, जब कपड़े पे चलाए तो हल्के कपड़े पे आप चला के देख लीजिए, इसको रिवर्स करके देख लीजिए, इसको रिवर्स करके देख लीजिए, टाँका बांधने वाला जाए छोटी मशीन, छोटी मशीन में यहाँ पर रहता है या बड़ी मशीन हो, रिवर्स करके टाँका मार के पतले कपड़े पे मोटे कपड़े वहाँ पे आप अच्छे से चेक कर लीजिए। आप वहाँ पे अगर लापरवाही करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आपका घर दूर है तो फिर आप वहाँ पे लेके जाएंगे या नहीं लेके जाते तो किसी मैकेनिक को दिखाएंगे, उसको एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा, कहीं अलग मैकेनिक दिखाते हैं, वैसे तो वारंटी रहती है मशीन की। तो मैं आपको यही बताना था आपको कि नई मशीन आप जब ख़रीदने जाते हैं तो ये सब सावधानियाँ आपको रखनी पड़ती हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।